हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो रिक्वायरमेंट है ये सऊदी अरबिया का रिक्वायरमेंट है, और सऊदी अरबिया के अंदर मुझे रूम अटेंडेंट बॉय हाउसकीपिंग के लिए बंदे चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है, अलमासार कंपनी का वीजा लगेगा, और फाइव स्टार होटल में आपका काम रहेगा। ठीक है ना, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको सेमिनार कैपेसिटी में, कम रूम अटेंडेंट बॉय में या हाउसकीपिंग में। ये सब जो है रूम बॉय में, रूम अटेंडेंट में आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इस जॉब में अगर अप्लाई आप करते हैं तो आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आज के डेट में कुछ भी जो है इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं कि रूम अटेंडेंट बॉय में या रूम बॉय में क्या काम होती है, और 1 घंटा 2 घंटा आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा है और 2 साल का जो है वर्क परमिट वीजा है। इसमें ओनली मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है 8 घंटे की ड्यूटी है, हफ्ते में 6 दिन काम है। ठीक है, वीकली ऑफ रहेगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इसमें, और सैलरी इसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 1500 प्लस खाना रहेगा, और खाना जो है आपको कंपनी की तरफ से दे रही है 1500 प्लस खाना। ठीक है, यानी कि बेसिक सैलरी आपका 1500 रहेगा, प्लस आपको रूम सर्विस जो मिलेगा वो आपको अलग से मिलेगा। तो जॉब अच्छी है और सैलरी भी इसमें बहुत अच्छी है। ठीक है ना, आप 1500 को अगर इंडियन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आपको 35,000 प्लस होती है, प्लस आपको टिप भी अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और ड्यूटी सिर्फ 8 घंटे की है, अगर ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो उसका ही पैसा आपको अलग से दिया जाता है। फ्राइडे भी ऑफ है, ऑफ डे के भी दिन अगर आप काम करते हैं तो उसका ही पैसा आपको अलग से दिया जाता है। तो ये सब काम में क्या है, रेस्टोरेंट का, होटल का काम है, जो है हाउसकीपिंग का काम है, ये सब काम में क्या बहुत ज़्यादा मतलब सैलरी मिलती है गल्फ के अंदर में। और अगर एक बार आप गल्फ अगर होकर के आते हैं तो यूरोप कंट्री भी बड़ी आसानी से आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है ना, गल्फ का। तो जो भी बंदा इसमें जाना चाहते हैं, सबसे पहला जो है आपका रिज्यूम बना लीजिए। रिज्यूम में आपका पासपोर्ट डिटेल और आप कितना पढ़ाई किए हैं वो सारा डिटेल जो है इसमें रिज्यूम में डाल दीजिए, और रिज्यूम, पासपोर्ट का बैक एंड फ्रंट का स्क्रीन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, वैक्सीन का पेपर, ये 1 PDF में एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब जो है 1 PDF में डाल दीजिए। और अगर इस जॉब में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज थोड़ा ले लीजिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो भाई कोई भी बना सकता है, कहीं पर से भी बना करके आप जो है PDF में डाल के अपना काम करवा सकते हैं। बस शर्त यही है कि आपको लैंग्वेज जो है इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कम से कम 30% 20% इंग्लिश आपको आनी चाहिए। ठीक है, पढ़ना लिखना दोनों, तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो 1 PDF में अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए। 1,10,000 रुपये खर्चा है, और सिलेक्शन के बाद जो है आपको कॉल जो है बोलेंगे मेडिकल करने के लिए, तो मेडिकल करके मैं ओरिजिनल पासपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट दे दीजिएगा, कोई एडवांस पेमेंट नहीं है। ठीक है, वीज़ा लगने के बाद आधा पेमेंट है, आधा टिकट के बाद है, जब एग्रीमेंट पेपर मिल जाएगा तो बाकी का आप दे करके फ्लाइट कर सकते हैं। 1,10,000 के अंदर आपको इमिग्रेशन, फ्लाइट टिकट और वीज़ा, स्टैंपिंग, सारा चीज़ जो है 1,10,000 में आपको करके देंगे, ओनली मेडिकल आपको करके देना है। ठीक है ना, तो सैलरी अच्छी है, अगर आपको जाना चाहते हैं तो फटाफट अपना डॉक्यूमेंट्स भेजिए। कंपनी की तरफ से आपको फूड, रूम, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, रिटर्न टिकट और बोनस, ये सारा चीज़ जो है, लीव सैलरी है 40 दिन का, ये सारा चीज़ जो है कंपनी की तरफ से आपको दिया जा रहा है। अगर आपको जाना है तो फटाफट कॉल करो, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ऑनलाइन अगर करेंगे
तो आपको वीज़ा चेक करने के बाद आधा पेमेंट दे दीजिए, आधा पेमेंट जो है टिकट के बाद दे दीजिए, कोई मसला नहीं है। सऊदी का काम है, कोई एडवांस पेमेंट की देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल मासार कंपनी का नाम है और बहुत बड़ी कंपनी है, मक्का शरीफ के अंदर में जो है ये काम आपका रहेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर मुंबई में नहीं है तो कॉल करके ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स भेज करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Oh,